हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात पंजाब बीज घोटाले की कर लेते हैं, जो एक बड़ा सियासी घोटाला बनता जा रहा है। राज्य के सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री के करीबी माने जाने वाले अब इस मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं, और यही वजह है घोटाले के सियासी कनेक्शन के खुलासे के लिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है। पंजाब के गुरदासपुर में करनाल एग्रो सीट के इस गेट के पीछे से जब राज्य का बड़ा बीज घोटाला सामने आया, तो पंजाब में सरकार और मंत्री के करीबी माने जाने वाले दो लोग गिरफ्तार हुए, एक लखविंदर सिंह लक्की, दूसरा हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लखविंदर सिंह लक्की को भी कल एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी खबर से बड़ा सामाजिक बदलाव लाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने इस घोटाले को उजागर किया, तब घोटाले का सियासी कनेक्शन भी सामने आया। लखविंदर सिंह लक्की पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा का करीबी माना जाता है, जो करनाल एग्रो सीट का मालिक है, जबकि बरार सीट का मालिक हरविंदर सिंह उर्फ काका बरार पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का करीबी बताया जा रहा है। एसआईटी ने इससे पहले बलजिंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया था। बलजिंदर सिंह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का सदस्य है, और पुलिस के मुताबिक बलजिंदर ने ही विश्वविद्यालय से बरार सीट स्टोर तक बीज पहुंचाई थी। गिरफ्तारी के बाद बरार सीट के मालिक हरविंदर सिंह और बलजिंदर सिंह को कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि घोटाला कैसे हुआ। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए धान के बीज की दो नई किस्में तैयार की, जिसको नाम दिया गया P128 और P129। केंद्रीय बीज कमेटी की मान्यता के बगैर करनाल एग्रो और बरार सीड स्टोर बीज की ये किस्में बाजार में बेच रही थी। 70 रुपए प्रति किलो वाले बीज को 3 गुना से भी ज्यादा दामों में किसानों को बेचा गया। अकाली दल इस घोटाले को कांग्रेस की शह पर किया घोटाला बता रही है। अकाली दल घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है।